तो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और यू कैन सी गाइस आज हमारे साथ है हॉन्डा सी वी टू एक्स और ये बहुत की गज़ब की गज़ब की बाइक है और ये बाइक है एक्चुअली एडवेंचर टूर बाइक है ये होंडा की तरफ से और बहुत ही ख़तरनाक बाइक निकाल दिया है होंडा ने ये यू कैन सी द लुक गाइस फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इसका और इसका हेड जो है एल में आता है और इसका जो इंडिकेटर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ चला के uh, ये कुछ ऐसा है इसका इंडिकेटर लेफ्ट राइट -right का व्यू और बहुत ही सुंदर इंडिकेटर से और जगह बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कुछ यूनिक है अलग बाइक से मतलब दूसरे बाइक से थोड़ा अलग है और इसका साइड लुक है कुछ ऐसा गाइस बहुत ही बहुत ही सुंदर और बैक साइड से लुक इसका ऐसा है और इसमें आपको सी वी टू हंड्रेड एक्स का लोगो भी मिल जाएगा और प्राइस रेंज के बारे में बात करने जाए तो इस वन सेवेंटी के अंदर ऑन रोड इसका आ जाता है तो ये बहुत ही उतना ज़्यादा भी नहीं है प्राइस हाई हाई उतना ज़्यादा भी नहीं है और अलग अलग स्टेट में अलग, अलग अलग प्राइस है इसका तो उससे कोई इशू इशू नहीं है मतलब प्राइस रेंज में ये बहुत ही बेस्ट बाइक है टूरिंग पर्पस के लिए और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन भी मिलेगा क्योंकि इसमें आपको टेलीस्कोपिक नहीं यू सस्पेंशन दिया गया है और वो भी गोल्डन का गोल्डन कलर के साथ तो बहुत ही बढ़िया काम किया है होंडा ने और मैं इसे मैंने इसे थोड़ा सा चलाया और मुझे आगे का सस्पेंशन कुछ ज्यादा अच्छा लगा पीछे के मुकाबले क्योंकि आज आगे का सस्पेंशन जो है वो आपका ऑफ रोड झेलने के लिए बनाया गया है ऐसा लगता है मतलब पूरा परफेक्टली वर्क करता है लेकिन पीछे का थोड़ा सा कम आगे के मुकाबले है और ओवरऑल इसका इंजन के बारे में बात करें तो पावर फिगर आपका टू हंड्रेड सिक्स का इंजन मिलता है एयर कूल्ड इंजन और 17 बी के साथ आपको 16 एन का टॉर्क दिया गया है इस बाइक में तो बहुत ही बढ़िया है और चलान में इसका पिकअप वगैरह बहुत ही मजेदार है मतलब प्राउड फील होता है थोड़ा सा और टू हंड्रेड का बाइक है तो ऑब्वियसली पावरफुल तो होगा ही और नेक्स्ट इसके आते हैं अगर टायर्स के बारे में बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया टायर्स दिए गए इसके एम के इसमें आपको आगे मिलता है वन टेन और आपको पीछे जो टायर मिलता है उसके आपका वन फोर्टी तो साइज़ इसका जो आर फिफ्टीन का आता है उसकी तरह सेम है सिर्फ ग्रिप्स ग्रिप्स में डिफरेंस है दोनों बाइक का क्योंकि ये ऑब्वियसली एडवेंचर टूर बाइक है तो इसमें अलग ग्रिप्स लगेगा और ये इस बाइक का बढ़िया सा नाम भी रखा है जिसका बाइक है बैटमैन तो बहुत ही नाइस और इसमें इसने खुद मॉडिफाई किया है आपका ये जो आपका गियर शिफ्ट करने से आपका जूताा सैंडल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो इसके लिए इसने गियर कवर भी लगाए बहुत ही बढ़िया काम किया है और नेक्स्ट आपका ये मैं आऊँ तो इसका माइलेज के बारे में माइलेज आपको इसका फोर्टी टू फोर्टी मिल जाएगा इवन आपका टू हंड्रेड होने के बावजूद इस बाइक में अगर फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा है ज़्यादा भी नहीं कहूँगा मतलब बढ़िया है माइलेज और अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करने जाओ तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो बहुत ही अच्छा है और ओवरऑल बाइक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया बाइक है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियस मैं अभी थोड़ी देर बाद इसे राइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है और ये ऑफ में कैसा परफॉर्म करता है तो यू कैन सी द व्यू गाइस यहाँ पे ऑफ भी है जंगल इलाका भी है तो सब जगह में चलाएंगे इसे और इसका परफॉर्मेंस आप लोग को बताएंगे <laughs> और कॉमेंट करके बताइए इस बाइक ये बाइक का लुक किस किस को अच्छा लगा और मुझे तो पर्सनली बताओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हॉर्ना ने कुछ यूनिक सा निकाला है नेक्स्ट गाइस आपका जो हैंडल बार है हैंडलिंग कैपेसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको थोड़ा सा भी झुकना नहीं पड़ता ये टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है तो हैंडल बार बहुत ही अच्छा शिटिंग पोजिशन दिया गया है हैंडल बार का और इसका मीटर में एक बार दिखा देता हूँ डिजिटल मीटर दिया गया है और यह है मीटर का लुक कुछ ऐसा मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और इधर में आपको गियर सिर्फ इंडिकेटर भी मिलेगा मतलब गियर आप जितना गियर में गाड़ी चला रहेगा आपको इधर पे शो करेगा और ओबियस जितना इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स बेसिक सा होना चाहिए सब इसमें है और अगर हमें ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो डिस्क ब्रेक ही मिलता है दोनों आगे पीछे आपको लेकिन एक खामी है इसमें आपको चिंगल सिंगल चैनल एल एवीएस मिलता है जो आगे की तरफ ही एवीएस और पीछे में आपको एवीएस नहीं मिलेगा ठीक है इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को अभी इसका राइडिंग एक्सपीरियंस लेते हैं और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं जैकेट तो पहन के नहीं आया लेकिन ग्लव्स लेके आया क्योंकि चलाने में मजा आता है ग्लव्स पहन के तो लेट्स राइड दिस बिस्ट और ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग का बाइक है तो इसको ऑफ रोडिंग वाला माहौल में चलाना ज़्यादा अच्छा होगा तो इसलिए मैं ऐसी जगह पे इसको लेके आया और यू कैन सी द व्यू गाइस बहुत ही खूबसूरत जंगल है और लेट्स गो तो ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जब इसे आप चलाएंगे तब तो आपको पता लगेगा क्योंकि आपको झटके बिल्कुल ही नहीं फील होते और इसका गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और हैंडलिंग के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ? हैंडलिंग आप देख ही सकते हैं यू कैन सी हैंडलिंग पोस्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका एवस भी बहुत ही अच्छा काम करता है मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है आई रियली एंजॉय दिस बाइक टू बहुत ही मज़ा आया तो गाइस मैं सजेशन करूँ सजेस्ट मेरे तरफ से अगर सजेशन लेंगे आप लोग तो टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट बाइक है बेस्ट एम बेस्ट और ये एक्चुअली आपका बजट फ्रेंडली भी आ जाता है क्योंकि बाइक लुक हिसाब से जिस जितना इसका इसका प्राइस है गाइस जिस माहौल से ये बाइक बिलोंग करती है वैसा माहौल मैंने मैं मैं इस बाइक को लेके आया क्योंकि ऐसा माहौल इस बाइक के लिए बेस्ट है ऑब्वियसली एडवेंचर बाइक है तो एडवेंचर करना तो बनता है अब तो लेट्स गो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा होगा और जंगल एरिया में अंधेरा हो गया तो पता ही आप लोगों को ऑफ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इसका आगे का सस्पेंशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ज़्यादा ये पावर एकदम एब्जॉर्व कर लेती है जो शॉक साथ जो आपको झटके आते हैं ना फ्रंट से वो झटके आपको आगे का सस्पेंशन फील नहीं होने देगा बिल्कुल भी लेकिन पीछे का थोड़ा सा आपको फील होगा पीछे सस्पेंशन लेकिन आगे का टेन ऑन टेन मैन तो ओके गाइस ऑफ रोड में तो हमने इसके मज़े ले लिए और थोड़ा अच्छे रास्ते पे चला के देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है और रास्ता थोड़ा आप है तो आप में इसका परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा अच्छे से और नहीं आप में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है मतलब आराम से जा रही है बाइक तो रास्ता बहुत ही गजब का है और रास्ते के साथ बाइक भी बहुत गजब का है अभी थोड़ा पेलते इसे ओहो बहुत ही बढ़िया मज़े मज़ा आ गया भाई होंडा से भी टू हंड्रेड एक्स चला के बहुत ही मज़ा आ गया एक्सपेक्टेशन जितना था उससे थोड़ा अच्छा है बाइक मुझे तो पहले पहले लगा था जो हॉर्नेट है चला के पूरा हॉर्नेट जैसा ही फील आएगा लेकिन नहीं थोड़ा सा अलग है हॉर्नेट से ऑब्वियसली इंजन साउंड सुन के लगता है कि हॉर्नेट जैसे होगा लेकिन नहीं अलग है तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर लिया मैंने बहुत ही बढ़िया है दमदार बाइक है होंडा की तरफ से और इसमें पावर फिगर वगैरह लुक्स वगैरह किसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और आगे का लुक तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पीछे का थोड़ा सा चेंज कर सकते थे होंडा चलो कोई नहीं आ, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर किसी अलग बाइक के आपको बाइक का रिव्यू चाहिए तो ऑब्वियसली कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए तो चलिए फिर ठीक है बाय और हाँ राइट हार्ट है मेरा टैगलाइन जो है एंडिंग का वो देने भूल गया था राइट हार्ट राइट सेफ बाय